तो दोस्तों, संडे की छुट्टी और बच्चों के साथ की मस्ती आप सभी को पता ही होगा। जब भी बच्चे छोटे होते हैं तो उसे खेलना बहुत पसंद होता है। और ये मेरा बेटा है, आप देख सकते हो वो अभी साइकिलिंग कर रहा है। तो अभी हम गार्डन में खेलने के लिए जा रहे हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे गार्डन में होंगे। और ये देख सकते हो ऐसे काफ़ी सारे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे गार्डन में। ये देखो है ना, कमाल के बच्चे, सारे तूफानी बच्चे हैं। और ये मेरा बेटा देखो काफ़ी आगे जा रहा है। तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर में गार्डन आने वाला है और सामने आप देख सकते हो गार्डन दिख रहा होगा आपको। तो वही हम जाएंगे और वहाँ काफ़ी सारे बच्चे खेल रहे हो ऑलरेडी। तो बच्चों के साथ एंजॉय करने का मज़ा ही कुछ और होता है। आप देख सकते हो ये गार्डन आ गया है। तो दोस्तों देखिए, बच्चों का खेलना शुरू हो गया है और वहाँ पर मेरा बेटा भी पार्क करा रहा है। खेलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। आप देख सकते हो ये पहले जब भी आता है गार्डन में तो यही करता है, ये बस उल्टा लटकेगा, बस इस तरह से उल्टा लटकेगा। देखा, ये बंदर की तरह लटकता है, सबसे उल्टा ये। अभी देखो आप, बंदर की तरह लटकता ही रहता है इस तरह से पूरा दिन। जब भी गार्डन में लेके आता हूँ तो सबसे पहले यहीं पे आता है और बाकी सारी चीज़ें, जो झूला है और बाकी सारी जो है आप देख सकते हो चीज़ें, काफ़ी सारा अच्छा गार्डन है। ये देखो, जहाँ भी लटकने की चीज़ होती है सिर्फ लटकता ही है, इसे लटकना बहुत पसंद है। देखो ये मिट्टी डाल रहा है ऊपर और इसे घुमा रहा है, ठीक है, जहाँ पर बैठने की चीज़ है वहाँ पर वो मिट्टी डाल रहा है और इसे घुमा के मिट्टी उड़ा रहा है, ठीक है। तो बच्चों का यही होता है, बस जो भी मन में आए करते हैं और खेलते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, ठीक है। देखो वापस वही जगह पे जहाँ से शुरू किया था, ठीक है। और लटक भी गया उल्टा, अब लगता है थक गया है। ये देखो, ये तो सो गए बहन जी, और ये क्या सोच रहा है, अभी कुछ और करेगा, ठीक है। ये देखो वापस वहीं पर। काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों गार्डन में जो खेलने के लिए है, लेकिन देखो इसे यही चीज़ पसंद है, बस उल्टा लटको, हाइट बढ़ाना चाहता है। लोग हाइट बढ़ाने के लिए कॉम्प्लेन पीते हैं, लेकिन ये सिर्फ लटक के हाइट बढ़ा देता है, ठीक है। तो लटकना भी ज़रूरी है हाइट बढ़ाने के लिए, कॉम्प्लेन का खर्चा भी बच जाएगा और हाइट भी बच जाएगी मुफ्त में, ठीक है। तो अच्छा तरीका है, उल्टे लटको हाइट बढ़ाओ और साथ में कॉम्प्लेन का खर्चा भी बचाओ। ये देखो इतने बड़े बड़े झूले हैं फिर भी यहाँ लटक के झूल रहा है, ठीक है। अब कुछ नया करेगा, आप देखते रहिए। ये ऊपर चढ़ गया है और अभी आप देखिए ये शुरू हो गया इसकी कसरत। देखो देखो कितनी तेज़ी से कसरत कर रहा है, अभी थक गया बैठ गया। तू अब चढ़ी जा। ये ख़त्म हो गया उसका कसरत, अभी दूसरा कसरत करेगा। चढ़ जा जाते, जो अभी वो सामने गया, ठीक है।
ये जो होता है बच्चों का फेवरेट होता है, इसे लपसणी बोलते हैं। और अभी वो नीचे आएगा सीधा, ओ ये बंदर अब नीचे आएगा। देखो पहले चप्पल नीचे आएंगे और बाद में वो भी आएगा। ये आ गया नीचे, देखो उसकी हाइट थोड़ी कम है तो हाथ पहुंच नहीं पाए तो वो उतर गया। ठीक है अब इसकी बारी है, देखते हैं ये कर पाती है नहीं। ये इससे भी नहीं होगा, ठीक है बैठे बैठे नहीं हुआ तो ये नया तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला है। और ये देखो खड़े खड़े कर दिया, खेल ख़त्म। रेडी रेडी गो गो। तो अभी शाम होने को आई है और बच्चे आ रहे हैं। ठीक है तो शाम को जब गर्मी कम होती है तो बच्चे आना शुरू हो जाते हैं यहाँ पर अपने मम्मी पापा के साथ। यहाँ पर बच्चे खेलने आते रहते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 10-15 बच्चे आ भी गए हैं और अभी लगभग देखो ना अभी 6:30 बजने के बाद काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर आएंगे। 50-60 बच्चे तो यहाँ पर डेली खेलने के लिए आते हैं और ये संडे को खास करके आते हैं क्योंकि संडे को पापा की भी छुट्टी होती है तो पापा लेके आते हैं, जैसे कि मैं लेकर आया हूँ बच्चों को। तो इसी तरह से संडे में बच्चों के साथ एंजॉय भी हो जाता है, बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पाते हैं हम। तो ये पूरा गार्डन आप एक बार देख लीजिए, बड़े बड़े बच्चे भी खेलने आते हैं यहाँ पर अपना टाइम निकालने के लिए और छोटे बच्चों की तो बात ही अलग है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि ये बंदर जहाँ भी लटकने की चीज़ देखता है वह लटक ही जाता है, तो ये यहाँ भी लटक गया है आप देख सकते हो। और ये अभी 5 साल का हुआ है और इसकी हाइट जो है ना लटकने की वजह से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है, जितनी नॉर्मल बच्चों की बढ़ती है 5 साल में उससे कई ज़्यादा उसकी हाइट बढ़ गई है। तो ये है लटकने की चीज़, यहाँ से पूरा यहाँ तक लटकते लटकते आना होता है और इसकी प्रैक्टिस अभी जारी है। ये थोड़ा बहुत आगे आ सकता है अभी लेकिन पूरा नहीं कर पाता, ठीक है तो 1-2 साल के अंदर वो पूरा कर लेगा क्योंकि लटकना उसका शौक है। ठीक है तो ये देखो एक स्टेप आगे आया है और ये गिरा, अब इसकी बारी है, ये भी गिर गए वापस वही जगह पे। देखो ये दोनों आज इसे तोड़ के ही छोड़ने वाले हैं। ये है झूला, सभी बच्चों का फेवरेट चीज। देखा जाए तो झूला तो सभी को पसंद होता है, छोटे बच्चों को भी और बड़े लोगों को भी। ठीक है हर घर में झूला भी होता है आप सभी को पता है। और ये देखो मेरा बेटा गिर गया, तो गिरना पड़ना तो रहता ही है जब खेलने आते हैं तो चोट भी लगती है। ठीक है लेकिन जितनी ज़्यादा चोट हमें लगती है
इतने हम शरीर से मजबूत बनते हैं। ठीक है, तो चोटें भी खानी बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में, जिससे हमें आगे बढ़ने का एक बड़ा ही अवसर मिलता है। ये देखो बड़ा बंदर कैसे झूल रहा है। तो ये देखो दोस्तों, ये अभी चालू है और इधर उधर कर रहा है चालू में। ठीक है, तो हो सकता है वो गिर भी जाएगा, चोट भी लगेगी और रोने भी लगेगा। ठीक है, ठीक है, बाय। अभी बोल रहा है कि मैं मामा के घर जा रहा हूँ, बाय बाय। तो बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है ऐसी चीज़ों में खेलने का। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि अभी दिन ढलेगा और बच्चों की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। तो आप देख सकते हो छोटे बड़े काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर आ गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था पहले ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे बच्चे आ रहे हैं, अभी छोटे बड़े बच्चे सब खेल रहे हैं साथ में। ले आओ, जल्दी खा, जल्दी खा। तो दोस्तों, आज का खेल मतलब संडे का खेल खत्म हो गया। अब खेलने के बाद हम जाते हैं वापस घर। तो घर जाने की भी इतनी खुशी होती है बच्चों को, जो कि आप देख रहे हो मुझसे काफ़ी आगे निकल गया है। खेलने के लिए आने की भी बड़ी खुशी थी, तो तेज़ी से आगे आगे खेलने के लिए जा रहा था, और अभी घर जाने की भी इतनी खुशी है। तो अभी क्या है, बच्चे खेलने के बाद भूखे भी होते हैं ना, तो अभी भूख लगी होगी। तो दोस्तों, अभी घर आने ही वाला है थोड़ी देर में। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, और ऐसे ही मस्त मज़ेदार व्लॉग में मिलेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए रेडी कर रहिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे।